नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपका ई श्रम कार्ड है और आपको 3,000 रुपया मंथली नहीं मिल रहा है तो कैसे मिलेगा, यानी कि साल का 36,000 रुपया कैसे मिलेगा, वो इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप सभी को बता दें कि सरकार इससे भी बड़ी बड़ी स्कीमें चलाती रहती हैं। किसी में 1,000 रुपया मंथली पैसा मिलेगा, किसी में 5,000 रुपया। वो टोटल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। टोटल हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोग देख के अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं कि ई श्रम कार्ड में पैसा कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये ई श्रम कार्ड जब आप बनवाए होंगे तो उसमें आपका एक ऑटो पे के लिए या अकाउंट लिंक करवाए होंगे। आप सभी को पता होगा, जिसका नहीं बना है वो बना सकता है इस साइट पर आके ई श्रम कार्ड। वो आधार कार्ड से ई वेरिफिकेशन हुआ और आपके अकाउंट से लिंक कर दिया गया है ये ई श्रम कार्ड, तो उसी अकाउंट में आपका ये पैसा आएगा। और हम बता दें कि ये पैसा किस रूप में आएगा वो हम वीडियो के एंड में बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये ई श्रम कार्ड जो बना है वो कुछ काम आ रहा है आज के डेट में, जो कि महिलाओं के लिए है। आंगनबाड़ी में जिसका पैसा मिलता है महिलाओं के लिए 2,000-3,000, तो पहले क्या था, आधार कार्ड और वोटर कार्ड ही लगता था। बट अब क्या है कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड और ई श्रम कार्ड मैनरेटी कर दिया है, UN नंबर से ही अब पेमेंट हो रहा है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम बता दें कि ये इसमें 3,000 रुपये आपको कैसे मिलेगा। इसके लिए आपको अप्लाई करना होगा। 3,000 रुपये मंथली जो आपको अकाउंट में आएगा तो उसके लिए अप्लाई करना होगा। उसके हम दूसरा वीडियो बनाएंगे, या YouTube पर जाके आप ये सर्च कर सकते हैं कि ई श्रम कार्ड पेंशन अप्लाई। तो अब आप मेरे बात से समझ गए होंगे, पेंशन अप्लाई मतलब इसमें आपको जो है, आप पहले ये चार्ट देख लीजिए। सबसे पहले आप लोग ये चार्ट देखिए, यहाँ पर आपका एज दिखा रहा होगा, यहाँ पर आपका अमाउंट दिखा रहा होगा, और यहाँ पर एक और अमाउंट दिखा रहा होगा, और यहाँ पर एक पेंशन अमाउंट दिखा रहा होगा। तो ये चार्ट किस चीज़ का है वो हम बता दें। आप जिस एज के होंगे 20, 25, 28, इस अनुसार आपका पेमेंट करेगा इस अकाउंट से, जो कौन से अकाउंट से, जो आप ई श्रम कार्ड बनवाते समय दिए थे। और ये इतना ही आपका गवर्नमेंट देगी। इसके बाद जब आप 60 साल के हो जाइएगा तब ये आपको पेंशन मिलेगा 3,000 रुपया, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब बता दें कि इसको अप्लाई करने के लिए आप YouTube पर जाके अप्लाई कर सकते हैं, या हम दूसरा वीडियो अपलोड कर देंगे कि इसे किस तरह से अप्लाई करते हैं। और जब भी आप अप्लाई कीजिएगा तो एक बात का याद रखिएगा कि आपका जो अकाउंट उस समय दिए थे उसी अकाउंट से ऑटो पे हो जाएगा, और मंथ बाई मंथ इतना अमाउंट कटेगा, आपके एज जितना भी हुआ आप यहाँ पर देख सकते हैं। और पेंशन भी उसी अकाउंट में मिलेगा। और एक बात आप याद रखिएगा, इसमें क्या एक अभी एरर आ रहा है कि कभी कभी मंथली नहीं कटता है, कभी कभी 2 मंथ में कटेगा, कभी कभी 3 मंथ में कटेगा, कभी 4 मंथ में, एक बार में ही आपका पैसा काट लेगा। और कभी कभी साल भर का पैसा, साल भर नहीं काटेगा, और जैसे ही साल ख़त्म होगा वो साल भर का पैसा आपके अकाउंट से काट लेगा। तो जब अगर आप मान के चलिए साल भर से आपका पैसा काटा है तो उसे आप बंद करवा सकते हैं बैंक में एप्लीकेशन देके, या ई श्रम कार्ड के पोर्टल पर भी वो बंद हो जाएगा। बट एक बात याद रखिएगा कि जो पैसा आपका कटा है वही रिफंड आएगा, जो सरकार उसमें कंट्रीब्यूट की है वो पैसा आपको रिटर्न नहीं आएगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से अप्लाई इसको करना है। और इस वीडियो में हम आपको बता दें कि मंथ बाई मंथ नहीं मिलेगा, जैसे कोरोना काल में मिला उस तरह से ये आपको पैसा नहीं मिलेगा फ्री में। ये एक पेंशन स्कीम है, और 2-4 स्कीम ऐसे ही चल रही है, जैसे कि प्रधानमंत्री पेंशन स्कीम हो गया, उसमें भी आपके एज के अनुसार पैसा कटेगा। फिर से अटल पेंशन हो गया, उसमें भी आपका एज के अनुसार पैसा कटेगा और 60 साल के बाद पेंशन मिलेगा। और उसको भी बनवाने का एज लिमिट है, एज लिमिट 18 से 40, और इसका भी बनवाने का, इस श्रम कार्ड का बनवाने का लिमिट था 18 से 40। तो ये आप बात समझ गए होंगे कि ये किस लिए बनवाया गया है कार्ड। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो के लिए प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।